बताइए, फीमेल मेकअप रूम में तो ऑब्वियसली गॉसिप्स होती है, बातें होती है, बचिंग होती है, बट क्या मेल मेकअप रूम में भी ऐसे कुछ होता है? डू मेल्स ऑल्सो बिच अराउंड? ऑनेस्टली आई थिंक जो फीमेल मेकअप रूम में होता है वो मेल मेकअप रूम में होता है, वेदर इट्स बिचिंग और टॉकिंग और गॉसिपिंग, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस इन दैट. सो ऑफन द मेल्स आर सिटिंग विद द फीमेल्स इन देयर मेकअप रूम एंड द फीमेल्स आर सिटिंग विद द मेल्स, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी काइंड ऑफ डिफरेंस ओवर देयर. सो बट बेसिकली एवरीवन इन दिस सीरियल इज रियली एंजॉयिंग देमसेल्व्स and each other's company, and we all sit and talk. And in fact, there's one room of the set where we all sit and meet, and it has one huge bed, and sometimes you find 10 people on that bed sitting and sleeping and enjoying and talking. And I think it's a very rare sight, and it doesn't happen in other productions. I don't think so. क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हैं या किया है पास्ट में, दे आर वेरी हैप्पी, दे से यू नो दिस इज, क्योंकि यहाँ कोई एक्चुअल ऑब्वियस पॉलिटिक्स नहीं है बिटवीन एक्टर्स और सो आई डोंट नो इफ इफ अली खान वाज द पॉलिटिकल एलिमेंट ऐसा कुछ हुआ था प्रॉब्लम, आई डोंट नो, बट जनरली सिंस मुकुल देव हैज कम, that's the only change, but otherwise generally it's been very positive. Sudhas Chandran ji jab se aayi hai serial mein wo kahin kisi roz ka slot tha and now she's working with Keshri Pali Hill, to mostly you know logo se ye feedback mila hai hame ki it seems like a bit of kahin kisi roz, you know, aise ho raha hai. So what do you have to say about it? I don't know what kahin kisi roz is, so that's a problem, but I know ke Sudha works amazingly on screen and she's very good to work with also. She's the latest entry and she's very professional and we have good fun. So your question is ke this is going to look exactly like Kahin Kisi Roz. Okay, I don't know what to say. ये बताइए, ये सीरियल में ऑलरेडी इट्स रिवील्ड दैट यू आर द रेपिस्ट एंड यू सेंडिंग people behind to kill your the daughter or something like that. So it's already revealed. तो ये कहानी कब तक चलेगी? ये serial कब तक चलेगी? ऐसे नहीं लगता कि it's almost about to. I hope it goes on and on and on. we are working hard and at the same time enjoying. So we like it to go on. But I think it's not very difficult to create plots in television, you know, or to twist the plots around. So this is just one bit of the story. आगे शायद बहुत कुछ है जो रिवील करना है, दैट प्रॉब्ली एकता विल नो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस सीरियल. विक्रम ये बताइए, आपका सबसे फेवरेट टीवी शो कौन सा? एक्चुअली मैं ज्यादा टीवी देखता नहीं हूँ, बट इट्स वन सीरियल आई समटाइम्स लुक फॉरवर्ड टू वॉच इज द प्रैक्टिस. Any favorite TV actor, actress? Indian? Yeah. See, I wouldn't know much, but in the film industry is definitely Dilip Kumar, who, I mean, since years I've enjoyed watching him. तो मुझे ये भी पूछना पड़ेगा, hottest item bomb in film industry? Hottest? Item bomb. Actually, again, I have very old-fashioned taste, but I would go to the past, and you know, I used to really find actors like Nutan. You know, if they were given the stuff today, they'd be far more exotic. Or which way? Why? I think there was. I could identify each heroine in the past. अब थोड़ा मुश्किल हो गया है कि ये कौन है वो कौन है, क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है धीरे धीरे, मतलब यू नो इट्स ऑल होमोजेनाइज्ड, दैट एन आइटम नंबर शुड बी लाइक दिस, द वुमन शुड बी लाइक दैट, शी शुड बी ड्रेस्ड, सो इंडिविजुअलिटी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑल दैट इज गॉन, व्हिच वाज देयर इन द पास्ट.
So that way, I think I'm old-fashioned. नो प्रॉब्लम. ये बताइए कि ये ट्रेंड बनते जा रहे हैं, जैसे तुलसी ने अंश को मार डाला, ये तो आपको पता होगा सीरियल में, एंड आपके सीरियल में यू बिहाइंड योर डॉटर हु इज़ रूइनिंग योर लाइफ एंड ऑल दैट. सो ऑब्वियसली आई टोल्ड यू अर्लियर दैट यू नो पीपल आर आइडलाइजिंग एकता कैरेक्टर्स. तो डज दिस मीन कि लोग जो आप पहनते वो पहनते, जो आप मेकअप करते वो करते हैं लोग आजकल, आई हैव सीन दैट. तो आपको लगता है कि आपने अगर अपनी बेटी को मारा है, तुलसी ने अगर अपने अंश को मारा है, तो ऐसे कुछ होगा आगे, बट पीपल एक्चुअली टेक अप द केसेस दैट यू गाइस हैव डन ऑन स्क्रीन, हाउ इज इट I जस्टिफाइड? don't think it's fair to blame art for, if it is art, for anything. Generally, I think art imitates life. और उनको मतलब एक ड्रामेटिक लेवल पे ले जाते हैं जो कभी कभी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है. इट्स मोर द पीपल शुड बी क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स देन क्वेश्चन कि इस सीरियल की वजह से ये हुआ. एक्चुअली द सीरियल इज गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड इट, वेदर इट्स शोइंग इट इन एन एस्थेटिक वे और नॉट इज अ डिफरेंट इश्यू. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट अबाउट दिस क्वेश्चन. इट्स वेरी ट्रिकी. इट्स ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बट आई डोंट थिंक दैट दी आर्ट्स और एंटरटेनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो समवन डूइंग समथिंग समथिंग सिली बिकॉज ही और शी सॉ अ सीरियल. आई मीन डेफिनेटली नॉट. बट आई थिंक इट्स मोर टू डू विद एजुकेशन देन वॉट सीरियल्स आर बींग मेड और वॉट फिल्म आर बींग मेड. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द कंट्री, द लैक ऑफ एजुकेशन. और ये लैक ऑफ एजुकेशन हमारे ऑडियंसिस में ही नहीं लेकिन हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी है ऑल ओवर. सो दैट्स वॉट वी आर लुकिंग एट. माई आंसरिंग वन आर टू क्वेश्चन अबाउट you know whether this is valid or not or whether influences people or not is not the answer. There's an aircraft coming.